अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो फिर कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैंने सिटी बनाई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर भी करा देता हूं, और जो शुरुआत की थी ना मैंने सिटी की वो यहां से की थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि कोई स्पाम जो स्पान पॉइंट हो ना वो मतलब अच्छा उसका लुक होना चाहिए, तो फिर मैंने इस तरह से लिख दिया था। और इसके बाद मैंने ये वाली बिल्डिंग बनाई थी, और इसके बाद मैंने बनाई थी ये वाली सामने वाली बैंक। देखो यार कितनी अच्छी बनी है। और ये शॉप भी बनाई थी, और ये ग्रोसरी शॉप मैंने अभी अभी बना मतलब कुछ दिन पहले ही बनाई है। और उसके बाद मैंने बनाई थी ये वाली बिल्डिंग हाँ ऑफिस, ये भी एक्सप्लोर करा देता हूँ। ये वाला मतलब उसका बॉस का केबिन है, और ये डिस्पेंसर, यहाँ से बटन प्रेस करने से पानी तो नहीं इसमें से तो नहीं निकलता, लेकिन नीचे से पूरी की पूरी पानी की बोतल आ जाती है। और ये मीटिंग रूम है जहाँ पर सब लोग मीटिंग करते हैं तो होती हैं, और ये यहाँ पर वो होता है जो एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये जो सामने शोरूम है ना, ये मेरा फ्रेंड बना रहा था, रेस्टोरेंट गेमर नाम है उसका। और वो असल में ये शोरूम नहीं बनाया था उसने भी ये मेरी तरह ऑफिस बना रहा था। उसने आधा ही काम छोड़ दिया था और सुबह आने वाला था, लेकिन उसके आने से पहले मैंने ही यहाँ पर शोरूम बना दिया। मैक डी, उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे ये मैक डी बनाया था। मैक डी भी मैंने किसी और वीडियो में देखा था, ये मैक्स हैं, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है, और विलेजर्स को रखना भी मेरा अपना तरीका है। इनसे ख़रीदा कैसे जाता है, यहाँ पर करेंसीज भी हैं बाय द वे। तो फिर ये वाला मैंने अपार्टमेंट बनाया था, ये भी कॉपी है। और ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये किसका है, मुजम्मिल टीजे के फाइटर, इसका भी अपने चैनल है, नाम है उसका मुजम्मिल टीजे का फाइटर। बाकी वैसे ही है, हाँ बैठ गया। और बाय द वे यहाँ पर बालकनी आ जाती है, और यहाँ पर एक और कमोड आ जाता है खुले भी अगर तो कहते हैं तो फिर, और मतलब पता चल गया होगा। और हाँ एक चीज़ तो दिखाने भूल गया, दिस इज माई बेडरूम। यहाँ पर उसने भी चेस्ट रखी थी और मैंने भी चेस्ट रखी, क्योंकि मुझे भी चेस्ट की ज़रूरत है। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पर। ये रहा थर्ड फ्लोर, और ये उसकी मर्जी से नहीं है, मेरी मर्जी से। और ये किसका है, मुबशर का, मुबशर मेरा भाई सक्का वाला। और दरअसल यहाँ का कांच तोड़ दिया था उसने। ये देखें, ये मैंने बनाई है टीवी, ये देखे वॉशरूम के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट खिड़की। अगर कोई बंदा वॉशरूम में बैठा होगा, ये यहाँ पर जो टीवी वाला बंदा होगा टीवी देखने के पहले उससे घूरेगा। नहीं गया मैं तो ये चीज दिखाना भूल गया ये दरअसल इसके लिए, ये मतलब ये खिड़की इसके लिए लगाई गई है कि सामने अगर कोई बंदा हो ना कोई इसको अगर टीवी देखनी हो वो भी वॉशरूम में बैठ कर तभी ये इसी देख ले
हल्का भी हो ले, टीवी भी देख ले। और ये वाली खिड़की जो है ये मैंने खुद तोड़ी थी जब मैं यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर बैठा तो फिर मैंने सोचा टीवी कैसे देखूँ, तो फिर इसको तोड़ दिया। टीवी देखना लाजमी है, मजाक कर रहा हूँ, जोकिंग। यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। अच्छा तो फिर यहाँ पर आ जाता है बेडरूम, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। और ये देखें वॉशरूम बेडरूम के साथ को होम में सेट करता हूँ, अगर नहीं दिखे तो देखें, लिंक में देने नहीं वाला। और अगर आगे दिखा दूँ तो फिर ये वाला फ्लैट खाली है, इसको मैं मतलब रेंडमली सेट करूँगा, अगर ना किया तो फिर नुकसान नहीं। ये वाला भी, हाँ ये वाला सेट करा था मैं, मतलब ये कि ये वाले जो भी हैं बाकी के खाली रखें। सामने देखें बंगलू, ये मेरा बंगलू है, मतलब इसकी हालत ऐसी नहीं थी, मतलब जो जिसको देखकर बनाया है ना वो थोड़ा सा चेंज था, वो कुछ इस तरह था और ये कुछ इस तरह है। इसमें बस रूफ एक्स्ट्रा है और मैंने थोड़ी सी वुड्स चेंज रखी हैं, उसने यहाँ पर ओक रखी थी, ओक मुझे कुछ खास पसंद नहीं, इसके लिए मैंने ओक को नहीं रखा, नहीं पसंद है तो नहीं रखूँगा। और ये देखे पेट्रोल पम्प, देखे कितना अच्छा है। इसको कॉपर से बनाने की असल वजह ये है कि कॉपर क्या है ना रियल लाइफ में जंग जाता है, मतलब जो पंप होते हैं वहाँ पर तो आयरन यूज़ होता है, वो आयरन जंग जाता है ना तो फिर कॉपर भी जंग जाता है, जिसको इसकी रिपेयरिंग भी करनी पड़े ना, ऐसे नहीं कि बस एक बार बना दो तो फिर बस जान छूट गई, ऐसे नहीं भाई। हाँ ये वाला घर अंदर से तो दिखा दिया। हाँ एक चीज़ रह गई, अगर आपकी अम्मी आपके पीछे पड़ी हो, कहे कि दही लेके आओ लेकिन आपको लेके आने का मन ना करे, यहाँ पर आके चुप जाना, अगर आपकी मम्मी आ जाए पीछे से पकड़ने के लिए तो फिर मैं बताऊँ, फिर यहाँ पर आ जाना और यहाँ से निकल जाना, और जो इसके ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ तक जाने का अभी तक रास्ता बना ही नहीं है। फिर भी दिखा देता हूँ, सिंपल है, मतलब अभी तक मैंने यहाँ की सेटिंग नहीं की और पता नहीं करूँगा अभी या नहीं। बाय द वे साहब को भी कह सकते हैं कि ये भी कॉपी है, सिटी में थोड़े बहुत सिंपल भी होने चाहिए ना हाउस। पिंक हाउस, लड़कियों का हाउस अच्छा है, पिंक मिरर। पिंक बेड, यहाँ पर व्हाइट मिरर भी है। पिंक फ्लावर एंड रेड फ्लावर, फ्लावर पॉट अच्छा, इस पिंक हाउस का इतनी रिव्यू है। By the way, और ये रही अपनी ग्रोसरी शॉप, इसको भी रिव्यू करा देता हूँ। यहाँ पर ये मतलब कॉफी मशीन है, ये आपको कॉफी रियल में तो नहीं बना के देगी लेकिन है कॉफी मशीन। और ये केक वाली जगह है और का मुझे पता नहीं उसमें क्या बनाए थे। यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं, यहाँ पर गोश्त भी मिलता है वो भी एकदम ठंडा। और ये देखें एक चिकन, आपको नाइट करके दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा।
बाय द वे ये मैं अभी इन दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था, कहना ना ये भी सिटी है वहाँ पर भी सिटी है, मतलब सिटी तो एक ही है लेकिन कुछ हाउस इधर बनेंगे कुछ उधर बनेंगे जिससे मतलब सिटी एकदम लगे कि सिटी है। तो फिर अभी जैसे ही मैं यहाँ पर खुदाई कर रहा था यहाँ पर रोड बना रहा था, फिर मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, तो फिर मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो फिर अभी डेली की वीडियो आएगी उम्मीद करता हूँ, और आगे का सफर हम गाड़ी पे तय करेंगे। अरे गाड़ी तो जा नहीं रही, एक काम करते हैं बाइक लेके आते हैं, बाइक अभी आ चुकी है तो फिर चलते हैं स्पट बड़ी पर। लेकिन भाई देखो ये बाइक थोड़ी सी चाबी पर, थोड़ी नहीं पूरी चाबी पर है। हम आपको मैं घुमा देता हूँ आगे फैक्ट्री में, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर। तो फिर अभी नाइट की जरूरत तो नहीं है भाई देखो। तो फिर अभी इसमें खास चीज क्या है, खास चीज क्या है इसमें वो मैं बता देता हूँ। रियल जो चीज़ है ना वो ये है, हाइड एंड सीक के लिए बहुत बेस्ट है, वो भी बेडरॉक वालों के लिए। ये वाली भी स्पाइन के अंदर भी छुप सकते हैं, और अगर इधर से भी आ जाए कोई उधर से भी आ जाए तो फिर यहाँ पर आके यहाँ से भी निकल सकते हैं। मैंने जो भी कुछ बनाया है ना हर चीज़ के लिए एक ही दिन लगाया, चाहे वो जितना ही बड़ा घर हो जितनी ही बड़ी बिल्डिंग हो कुछ भी है, सब कुछ मैंने एक मतलब जो भी चीज़ बनी पड़ी है ना इधर सिटी में हर चीज़ का एक एक दिन काउंट कर लें, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एक दिन में दो तीन कर दें। ये पार्क भी आज कल ही बनाया है, कल बनाया था। यहाँ पर इनविजिबल बैरियर है इसके लिए ये थोड़ी सी उड़ रही है, और ये लेडर्स भी। फिर एंड करते हैं। तो फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जो कुछ भी बनाऊँगा ना, जो भी अपडेट आएगी ना उसकी एक वीडियो बना के मैं भेज दूँगा। क्या ना बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब कुछ बहुत महीने हो चुके हैं। अरे भाई दबे हम तो बैगड़ी की स्टॉप पर गए ही नहीं, चलो ये भी आगे वाली एक्सप्लोर करा देता हूँ। सामने देखें डिस्पेंसर भी बनाया है, नीचे ग्लास भी पड़ा है, जो भी पानी पीना चाहे उठा के पी ले। यहाँ पर बैठे डिस्पेंसर और एक मटका। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत बहुत ज्यादा पसंद है। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी बनती है, वैसे तो मेरी अक्सर वीडियो 5, 2 या 6 मिनट की होती है, लेकिन आज के लिए इतने दोस्तों, अगर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। थोड़ा सा वेट करें पहले, मतलब एक्सप्लोर कर लेना हम कैसी बनेंगे, जाहिर है मैं चेंजिंग रखना हूँ हर चीज़ में थोड़ी बहुत जो ओरिजिनल होती है। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये नेचुरल डिज़ास्टर जो रोब्लॉक्स की गेम होती है ना, नेचुरल डिज़ास्टर उसकी